आज 2 बजे से मेरा एग्जाम देखो, हमको गुड़िया दीदी पढ़ा रही। थैंक यू गुड़िया दीदी। घर पे क्या बोलते उसको, यूपीएससी एस्पिरेंट होने के फायदे। भाई जीएस में हमको लगा था जो है ना, क्या कहते हैं वो होगा अनलाइक जो अभी चल रहा है रिसेंटली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री में क्या क्या हुआ वो सब आएगा, इसका कुछ कुछ पढ़ा हुआ तो वही बस बैठ के समझा रही। इंडिया का मैप बना रही, दिल्ली को भी ना आता बनाने। चलो भाई ऐसे बनता है। हाँ एकदम ऐसे बनता है, नाक कान बजा दो बेचारे का। तुम शुरू लगन कंटिन्यू पढ़ाओ। देखो ये खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो श्रीलंका था। खा लो आज दीदी खाएगी, तुमको नहीं मिलेगा। एवरीवन नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का आज की मेरे एक और नए वीडियो में। टाइम कुछ इतना हो रहा है, अभी तक ना मेरा ब्रश हुआ है ना कुछ हुआ है। गुड़िया आज हमको बहुत सारा पढ़ा दिए और मेरा आज एग्जाम पता नहीं कैसा जाने वाला। आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ना बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन गुड़िया जितना समझाई है उससे कुछ मिला जुला के लिख देंगे। फिलहाल चलो चलते हैं, फटाक से ब्रश करके आते हैं, उसके बाद फिर वापस से जो भी रिविजन कर रहे हैं। रिविजन क्या मतलब, पढ़े ही नहीं तो रिविजन क्या करना, तो वापस से कुछ कुछ देख लेंगे टॉपिक्स। और रे तुम ग्रीन वाला ब्लाउज लेगी? याद है आप लोगों को हम एक ग्रीन वाला ब्लाउज दिखाए थे, जो हम बोल रहे थे मेरे घर पे परमिटेड नहीं होगा। एक्चुअली मैं मम्मी बोले क्या तुम लोग पहनोगे तो चल जाएगा, मतलब अच्छा लग रहा है डिजाइन लेना। हमको डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, लेकिन हमको लगा शायद उतना बैकलेस रहेगा तो पता नहीं मम्मी को कैसा लगेगा और डांट पड़ जाएगा। लेकिन मम्मी बोली कि चलो ठीक है लेगी तो ले लेना। तो गुड़िया शायद वही लेगी, उसका जो लहंगा ली थी ना उस लहंगा के साथ वही ज्यादा अच्छा लगेगा तो वही लेगी। ले रही है ना, तो आज तो नहीं कल चलेंगे, तो तुम लहंगा लेके चलना, मैच करके लेगी तो ज्यादा बेटर होगा। जो रहता है इसको वो ब्लाउज सही रहता है, आज पढ़ाए हैं बेटा, आज बेटा को पढ़ाई है, आज बड़ा दीदी होने का फर्ज निभाई है। देखना बड़ा हाँ, दादी सोच रही है आखिर क्या चल रहा है। गुड़िया का तो एग्जाम नहीं, गुड़िया एकदम जोर जोर से पढ़ रही है, तो फिर देखते हैं अरे तुम पढ़ा रही है, अच्छा तुम इतना लायक हो गई है, दीदी को पढ़ा रही है। अच्छा जाओ घी निकाल जाके, गजब मम्मी लॉजिक लगाते हैं। स्टील का बर्तन को माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए डालना होता है, ना कि ज्यादा देर के लिए, डालना ही नहीं होता एक्चुअली में। तो यहाँ बना रही है गुड़िया चूड़ा का पोहा। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग चूड़ा बोलते हैं, वैसे उसको चूड़ा नहीं पोहा ही बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम पोहा पड़ा है। पता नहीं क्या पड़ा है मुझे नहीं पता, मैं बस खाने जानती हूँ, बचपन से खा रही हूँ और अभी बनाने सीख गई हूँ। हम नीचे नहीं जा रहे हैं बाबू, हमको पढ़ना है, मेरे एग्जाम है, हमको पढ़ना है। हमको छुट्टी मिला है दुकान से, पापा बोले तुम पढ़ो आज जाके, तुम्हारा एग्जाम है ना तो पढ़ो। इसको देख रहे हो काय के लिए सोया, तो क्या कर रहा है रे आगे मैया, अच्छे बच्चे। आओ, अरे वाह तैयार भी हो गई मैं, तो चलो तैयार व्यार हो ही गई हूँ, तो अब खा भी लेते हैं पोहा। और मतलब एक ही प्लेट में गुड़िया लेके गई है, थोड़ा सा कम है उसमें, तो उसी में लेके हम मम्मी और गुड़िया तीनों मिलकर खाएंगे। देख रहे हो खाना, तुम मम्मा खाएगी और हम खाएंगे, तुम मत खाना। जो चम्मच हमको ये दी वाला चम्मच हम लेकर नहीं जाएंगे, अब ना देंगे। चोर कहें कि इतनी सादी है, देख रहे हो पेट भरेगा इस मासूम से पेट का, मेरा कपड़ा देख रहे हो कितना चूर है, लेकिन हम फिर भी ऐसे जा रहे हैं। रिचार्ज करना था, चलो हमको रास्ते में लेके चले तुम्हारा रिचार्ज कर देंगे गुड़िया। दो कितनी सादी है सादी, और खाएंगे ना मम्मी, हम और खाएंगे, बहुत बड़ा पेट है मेरा। पता है पैसे के मामले में ना कोई भाई बहन काम नहीं करता है, ये लड़की खाली जो है ना मेरा बिल बढ़ाती जाती है। अभी 200 रुपया उस दिन 2200 का, 2000 रुपया दी थी, 2200 का था, मैंने थोड़ा देख लीजिए 2250 रुपया था, ठीक है, और हमको 2000 दी, उठा के वो भी रख लिया, और अभी भी 200 रुपया का रिचार्ज कर रही है, यानी कि 450 रुपया नहीं देगी, फोटो को साफ फेंक रहे हम बता दिए। बढ़ते 500 पैसा के मामले में कोई भाई बहन नहीं होता भाई, मेरा पैसा हमको चाहिए, हम कह दिए सबके सामने, चेन नहीं दी आपको हम कल फिर से बताएंगे। बोल रही है क्या तुम्हारे YouTube फैमिली क्या करेंगे बताओ, तो आप लोग क्या सोचोगे कि बहन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, अगर पैसा नहीं दी तो अभी अभी हमको भरोसा है कि कल तक दे देगी। चलो तुमको समय दिए, तुम कल तक हमको पैसा दे देगी, मेरी इतना गाड़ी आ गया, नहीं देगी तो बोलो ना यहाँ से फेंक देंगे, ऐसे कैसे देगी, हम पैसा का कमा रहे हैं क्या, हम जिस दिन पैसा कमाएंगे ना, जिस दिन तुम IAS ऑफिसर बन जाएगी ना घूस लेना, ठीक है, हमको साइड से देते जाना, ठीक ठीक, गलत काम भी करेगी। पागल क्या क्या फ्लो फ्लो में करवा बोलियो, यहाँ हाँ दो तीन बार जाम में फंस गया, पता है टाइम हो रहा है मतलब 1:30 बज रहा है, अभी आधा घंटा हमारे पास है, 1:34 हो रहा है और जाम लग गया बहुत भयंकर वाला, क्योंकि यहाँ से दिखेगा भी नहीं, बहुत लंबा जाम। और ये मेरे एग्जाम के एग्जाम की लगता है पिछले एग्जाम में भी देखे कितना लंबा जाम, मेरा जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगता है। खत्म हो गया, 5 मिनट है यहाँ से सेंटर, तो बस बच के
तो बस सेंटर पहुंच चुके हैं और आज लास्ट वाले एग्जाम के दिन सिटी चेंज हो गया है, तो अब जाके क्लास ढूंढना पड़ेगा। हम लोग उस दिन इस वाले बिल्डिंग का तारीफ कर रहे थे, आज हमारा सिटी धरी है। तो अब बताते हैं एग्जाम का रिव्यू। मतलब जैसा हम क्वेश्चन सोचे थे उससे एकदम ही अलग था। मतलब हमको लगा था बहुत हार्ड पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक था। मतलब जो जो पढ़े थे वही सब था, थोड़ा सा सब्जेक्टिव में लग रहा था, ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ कुछ में। अब देखो क्या रिजल्ट आता है। लास्ट पेपर हमारा एग्जाम कम्प्लीट होता है यहाँ पे। और लेकिन लिटरली मैं इस पेपर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। लड़की जो है ना हम लोगों को कॉलेज का डेली चक्कर लगवाती है। उस दिन भी हम लोग ऐसे चारों तरफ घूमे, अभी तक नहीं आई। पता हम लोग लिटरली 2 से 3 बार इधर से उधर घूम चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। अच्छा है मारवाड़ी कॉलेज, इसी बहाने हम लोग घूम लेंगे पूरा। हमको नहीं पता 24 रूम नंबर किधर, ऊपर ही हो मेरे अंदाज से। हमको कैसे पता हो सकता है, अपने TNV का तो हमको कुछ पता नहीं है, यहाँ का कैसे पता रख सकते हैं। मैडम हर दिन लिखोगी कैसे चलेगा, हम लोग फैल ही ना होंगे, फैल ही ना होंगे। इतना बोखे है तुम्हारे चक्कर में, पता है 3 बार कॉलेज घूमे। हम लोग चलते हैं चाय पार्टी करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अपने अपने घर। और हम लोग मिलेंगे तदासा का भी, पता है एक एग्जाम बाकी है। आज भी उसका एग्जाम था जीएस का, प्रैक्टिकल वगैरह। मतलब साइंस वालों का एक्स्ट्रा चीज होता है प्रैक्टिकल, हम लोग बचे हुए। अच्छा हम लोगों का आर्ट्स है, हम लोगों को टेंशन नहीं होता है। इसमें ज्योग्राफी वगैरह में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में क्या ही प्रैक्टिकल। हर कॉलेज वाले ब्लॉग में आप लोगों को सिमिलर चीज दिखता होगा, क्योंकि इस रास्ते में जो है वो हमको डेली अच्छा लगता है, तो आपको हम डेली दिखा देते हैं। जो है ना डेली डेली इस तरह से भैंस और गाय को देख के डर जाती है, इसलिए हमको प्रोटेक्शन के लिए रखी है। एकदम हम आगे आगे चल रहे हैं, ये लोग पीछे पीछे चल रही हैं कि है ना मानसी बचा लेगी। इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड से आके इधर राइट साइड में, अगर पता ही नहीं कि सामने भी है। सिरिन गई तो देख रहे हो कितना दूर है, और यहीं से इसको पकड़ रहा है। आओ देखो तुम्हारी कैटेगरी का है ये भी, ब्लैक ब्लैक ये भी। अरे निकलना निकलना साइड से। वो सिरिन के पास नहीं आया एक्चुअली, मैं तुम्हारा कैटेगरी उससे मिल रहा था, कलर मिल रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आया। अच्छा ठीक है। बाकी यहाँ देखो ना लग रहा है सरसों का खेत है। हाँ सरसों ही है। सब मेरे भाई ये थे ना, फ्रेंड्स थे ना मेरे। आपके भी क्या पहला दिन था हमारा कॉलेज में, और हम लोग आज लास्ट पेपर का एग्जाम देके जा रहे हैं। एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटमेंट जरा सा भी नहीं कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब तो 10th 12th में क्या होता है, 10th के टाइम 12th छोड़ो, एग्जाम खत्म, अलग ही खुशी होता था। आज के बाद तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब अलग ही टेंशन है, करियर बनाना, अब आगे क्या करेंगे वो सोचना, वो सबसे बड़ा टफेस्ट चीज है। वही ना, मिलते हैं फिर वापस से चाय पार्टी पे हम लोग। बाय बाय। फोन चलाते चलाते रोड क्रॉस करते हैं, एक दिन लगेगा ना धक्का तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पीकू से मिलने के लिए, और लास्ट एग्जाम जब मेरा था 24 को तो उस टाइम मिले थे, तो चलो आज हम भी मिलते हैं एंड आप लोगों को भी मिलवाते हैं। ला ला ला, ये जाएगी नगर घूमने के लिए मेरे साथ। मानू मेरा नगर घूमने जाएगी ना रे, जाएगी नगर घूमने जाएगी। और कैसे देख रही है कैमरा, कितने बढ़िया देख रही है। चलो कहाँ घूमेगी मानू, मानू कहाँ घूमेगी, मानू कहाँ घूमेगी। फोन नहीं देखो, अब रोड देखो। मनु देखो, अभी देख लेगी अगर फ्लैश लाइट तो नजर नहीं हटेगा फिर। क्या है री? मनु उस दिन जैसे बोली थी, बोलो ना फिर से, बोलो ना। ई मनु, ओ मनु ओ, पैर तक हाथ आ गया, देख रहे हैं। नहीं पलटेगी कैमरा, दिख ज्यादा कुछ नहीं दिखता इसको। उसके बाद बस यही टंग दिए पकड़ के खेलते रहते हैं। मानो जात जात मानो जात जा, तो चल जाएगी। उस दिन मंदिर में थी, पास हम पूजा कर रहे थे, एकदम रेत के नीचे घुस गया। आंटी खाली फ्लैश लाइट दिखता है इसका, मोतरे पतरी को। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर, और मेरे स्वागत में देख रहे हो लाइट लगवा के रखे हैं मम्मी। मम्मी लगवाई है ताकि हम घर जा रहे हैं। वाह मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। इंटेलिजेंट बच्चे को दुकान में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। सही है, अब मोहल्ले के लोग देखेंगे बोलेंगे अरे वीडियो बना रही है। हाँ मेरा कंटेंट मिल गया। क्या पढ़ रहे हो वैसे, हमारे तो समझ के परे हैं। आलोक मारने वाला भी आयुष, बोलो क्या डायलॉग मारेंगे। शायर थोड़ी हो वैसे, अभी शायर बनने के कगार पे, अभी शायर भी बन रहा है, सिंगिंग के साथ शायरी चल रहा है। इसका हम इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है आप लोग चेक कीजिएगा, तब प्रमोशन कर दे खड़े खड़े। कैसा लगा, खुशी हुआ?
बहुत बढ़िया। और मेरे फोन के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे फोन के लिए बढ़िया फोन है, हम ही तो सजेस्ट किए हैं। अरे पार्टी तो तुम देते हो। एप्पल का ले ले। एप्पल लेगी? नहीं छोड़ दो, बोलो दिला दे। नहीं ये दो ना एक हम मतलब उसका वो पिएंगे। छोड़ दो छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए। हम ऐसे बोले हम बच्चे नहीं, हम नहीं लेंगे। आज घर का लाइटिंग देख रहे हो, एकदम सब सुधर गया है। बाकी यहाँ मम्मा बना रही है रोटी और गुड़िया दीदी पता नहीं क्या कर रही है। छोड़ो इसको हटाते, गुड़िया बना रही है सैंडविच। फिलहाल हम है दुकान पे तो थोड़ा दुकानदारी कर लेते हैं, उसके बाद मिलेगा सैंडविच खाने को। मतलब पहले काम करो फिर फल मिलेगा, पहले मेहनत करो। लो जी हम सैंडविच का नाम लिए और गुड़िया लेके आ गए। अभी हम क्या दुकान में थोड़ी ना खाए। तो देखो आज मुझे मिला है कितना सारा दुपट्टा, 1 2 3 4 5 इधर है, और ये जो कल हम बना के दिए थे तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। और ये दुपट्टा को काका मांगे हैं, बोले क्या 4 दिन में तुम कितना दुपट्टा कर सकते हो, मतलब 3 दिन में कितना कर सकते हो हमको। अब एकदम इमरजेंसी में चाहिए था, तो हम बोले कि चलिए 2 को फिर भी कर सको, तो बोलते तुमको 4 दिन देते हैं तुम कम से कम 3 को कर दो, तो कोशिश रहेगा। बाकी तो मुझे बहुत सारा तैयारी अभी करने का है, दीदी का शादी के लिए ये वो, तो सब कुछ आप लोग देखना वापस से। मैं फिलहाल अपना कलर ढूंढ रही हूँ, मैं वो मैं लाइट नहीं लगाया अभी तक। देख रहे हमको दोनों में सेफल लगवाना है, पापा को बोले लाइट लेके आइए उसके बाद फिर लगाइए। तो फाइनली 1 घंटा लगा और इस दुपट्टे का आउटलाइन कंप्लीट हो गया। मतलब इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे कि 1 घंटे में मेरा इतना कंप्लीट हो जाएगा। अरे क्या बच गया, पता मेरे रूम में था छोटा सा चूहा भी घूम रहा था। यहाँ सत्यम आया है, ये पता है इसका ओपनर लेके आया था, पता नहीं हम कहाँ रख दिए, हमको मिल ही नहीं रहा है, तो उसको हम दांत से खोलने का वो करेंगे क्या। एक्चुअली में ना ये 20 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो हम लोग सोचे चलो घर पे पी के खत्म कर लेते क्या। सत्यम खुल गया, तो क्या लगा नहीं खुलेगा? पहले के कंपेयर में दांत मजबूत नहीं रहा मेरा। तो फाइनली एक दुपट्टे का पेंटिंग होता है यहाँ पे, आउटलाइन होता है पूरा कंप्लीट, तो दूसरे का भी आउटलाइन मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ, ताकि इसमें बस कलर फिल करने करेगा। ना से नहीं खोली मोरू दीदी, लास्ट में जो है ना उसको हमको ओपनर लेके खोलना पड़ा, ओपनर मिल गया था एक्चुअली में। तो मैंने नहीं देखा। तूने नहीं देखा तो मैं बता रही हूँ ना।